हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो भाई साहब, जैसा आपने देखा यार, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, बिकॉज़ यार मेरे लेफ्ट वाले पैर पे ना प्लास्टर लग गया था। छोटा सा प्लास्टर था, बट भाई उसके चक्कर में मुझे कम से कम 12-13 दिन वेट करना पड़ा भाई, रेस्ट करना पड़ा। ऑन बेड था मैं पूरा, कोई इनकम नहीं थी भाई, सेविंग्स भी ज़्यादा थी नहीं, तो भाई पूरा माइनस में पड़ा हूँ मैं, सही बताऊँ तो। तो आज भाई सैटरडे है, वैसे भी काम कम होता है आई नो, बट मैं निकल गया। मैंने कहा देखते ना यार क्या मार्केट रहती है। टाइम की हो रहा है भाई 1:09 अप्रॉक्स, भाई 1:10 बज रहा है, तो देखते हैं क्या निकलता है यार, क्योंकि प्लास्टर मेरा परसों उतरा है, कल मैं फुल डे रेस्ट पे था। तो चलो यार आज से अब काम स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। और अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी भाई, प्रॉपर जोमेटो स्विगी सबकी मिलेंगी। तो आज तो मैं बस देखने निकला हूँ भाई मार्केट में चल क्या रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ऊबर का रेट बहुत कम हो गया, ओला का भी बहुत कम रेट हो गया, तो मैंने देखते हैं राइडे करके यार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें भाई, किसका रेट क्या है क्या नहीं है। मैंने पोटर, रैपिडो सब ऑन, ऊबर ऑन सब कर रखा है, ओला नहीं करा, बाकी देखते हैं ओला भी क्या पता कर लूँगा ऑन। तो दोस्तों राइडें तो बहुत आ रही थी यार रैपिडो पे, बट यार कोई ढंग की राइड थी नहीं, मतलब बहुत छोटी छोटी राइड है यार, 1-2 किलोमीटर की। तो यार ओला पे राइड आई है भाई, 17 किलोमीटर की राइड है, खान मार्केट जाना है हमने। मैंने कहा चलो यार उठाते हैं और देखते हैं भाई ओला का रेट क्या दे रहा है। वैसे अब जो भी रेट दे रहा देखे तो सही भाई, लोगों से तो बहुत कम कर दिया रेट ओला ने। अब हम भी एक बार ट्राई करके देखें क्या रेट है, तभी पता चलेगा भाई इसके बाद ओला करना है या नहीं करना, क्योंकि फूड में तो बहुत कम कर दिया है, और जो 30 रुपये का इंसेंटिव था वो भी ख़त्म कर दिया लास्ट मैंने किया था फूड का। तो बट अब देखते हैं भाई ओला क्या है, ओला ओला ही है भाई। भाई साहब ये अलग सीन हो गया यार, यहाँ पे आते ही कस्टमर का फ़ोन ही स्विच ऑफ जा रहा है यार, पता नहीं। एक तो ओला का नंबर चेंज होता रहता है भाई, कभी गोविंद नाम से, कभी पता नहीं क्या क्या नाम आते रहते हैं ओला के, तो बट भाई कस्टमर कॉल तो उठाएं। भाई साहब अब ये राइड मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी यार, कस्टमर फ़ोन ही नहीं उठा रहे यार, बड़ा गुस्सा आता है यार ऐसे। ये आ रही है भाई नंगली सक्रावती, ऊबर पे नहीं जाऊंगा यार, नंगली सक्रावती नजफगढ़ की साइड कौन जाएगा। चलो भाई कैंसिल करते हैं। अब ओला हमें कुछ देगा क्या यार, इतनी दूर आए हम, दूर तो क्या जो भी आया यार, कस्टमर फ़ोन ही नहीं उठा रहे यार, हद है यार। अरे मिल गए 4 रुपये 48 पैसे आए हैं भाई, 4 रुपये 48 पैसे मिले, ये देखो 4 रुपये मिले भाई, क्या करें यार कस्टमर का, हद है यार। कस्टमर 28 रुपये की राइड, नहीं यार ऊबर को तो 25 रुपये। ये देखो ओला पे 1.6 किलोमीटर की राइड, नहीं उठानी भाई ऐसी ऐसी राइड है। वैसे इतनी बढ़िया राइड दी थी यार, खानपुर पहुंच जाते साउथ में बढ़िया काम हो जाता वहाँ पे, बट चलो कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं भाई। तो दोस्तों भाई साहब एक रैपिडो पे राइड उठाई है यार, अब यार राइडें बहुत छोटी छोटी आ रही हैं, सारी बज तो रही हैं पर इतनी छोटी राइड है यार, पता नहीं क्या सीन है, कोई लॉन्ग राइड हाथ लगी नहीं थी यार। अरे निकलने दो भाई, चलो कोई नहीं भाई देखते हैं यार, इस राइड पे ही पहुँचते हैं, इसमें भी थोड़ा घपला ही लग रहा है मेरे को, कहीं है ना पिकअप गड़बड़ हो। बाकी चलो देखते हैं भाई, अब उठा लिया राइड तो जाना तो है ही ना यार, कस्टमर को पिक करें, आई होप कुछ घपला ना ही हो यार, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। बट भाई क्या है यार, सैटरडे है क्या, इसी चक्कर में भाई ऐसा ऐसा काम हो रहा है क्या। सामान लेके जाना है मुझे भी, चलना हाँ तो इतना सामान के साथ थोड़ा जाऊंगा भाई, पकड़ो क्या पीछे पकड़ना पड़ेगा, पकड़ो फिर पैसे कौन देगा, पेमेंट आप ही करोगे, पेमेंट ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन मुझे नहीं पता ना ऑनलाइन है कि नहीं है, ओटीपी पूछो उनसे। तो दोस्तों भाई कस्टमर को ड्रॉप कर दिया भाई, यहाँ पे सामान भी लाए थे, मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, 96 रुपये की पेमेंट बनी, रिसीव्ड हो गए भाई, कलेक्ट कैश ठीक है जैसे भी थे, बस बंदा हल्का था यार भाई, 80 रुपये दिए यार, लगभग 10 किलोमीटर का था, कितने किलोमीटर का रूट था ये मैंने देखा नहीं यार, लगभग 10 किलोमीटर के 80 रुपये, ठीक है कम हो गया यार रेट सबका। बाकी मैंने ऊबर भी खोल दिया भाई, यहाँ से ओला भी खोल देता हूँ, ओला भी खोल दिया मैंने, पोर्टर भी खोल देंगे भी भाई। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे कहाँ फंस रहे हैं हम भाई साहब, ज्वाला हेरी मार्केट, ये तो अच्छा अंदर नहीं जाना पड़ा, अंदर कौन जाएगा गाड़ी लेके, पागल हूँ क्या भाई साहब, किराड़ी सुलेमान नगर जाऊँगा ओला से, हट यार इस यहाँ से ना पश्चिम बिहार से उधर नहीं जाना, अंदर और अंदर नहीं जाऊँगा भाई मैं, रोहिणी वगैरह बिल्कुल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से मिले तो बढ़िया कोई लंबी राइड तो मज़ा आ जाए। देखते हैं यार साइड में खड़े होते हैं, पोर्टर वोटर भी ऑन करते हैं, क्या पता कोई पोर्टर पे हमारी कोई ऑर्डर हमारा वेट कर रहा हो, वैसे चांस तो कम ही होते हैं, बट क्या पता किस्मत साथ दे जाए भाई कभी कभार। तो दोस्तों भाई साहब रैपिडो पे अपने को पार्सल मिल गया यार, गुड़गांव भाई साहब, मैंने उठा लिया यार, मैंने कहा यार काफ़ी देर से घूम रहा हूँ खाली,
कोई नहीं, गुड़गांव चलते हैं। वैसे मुझे पता है वहाँ से यहाँ वापस ही आने के लिए बहुत बहुत ही कम चांस है, तो देख लेंगे भाई जो मिलेगा देखेंगे फिर क्या करते हैं, क्या पता खाली आना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। बट ये कि गुड़गांव चलें भाई, कुछ तो इनकम करें, यहाँ तो भाई कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मैम ये स्कूटी के आगे लगाऊंगा ना, स्कूटी है ना, ना कोई इशू नहीं, फ्रेम है इसमें, फ्रेम है, हाँ ये फोटो फ्रेम है, अच्छा फोटो फ्रेम है, हाँ कोई इशू नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कोई मैम सेफली लेके जाऊंगा, कोई ठीक है, थैंक यू। आप पेमेंट उनसे ही लेना, पेमेंट उनसे ही, आपने मैंने रैपिडो करी है ना, हाँ रैपिडो में ओटीपी होगा, ओटीपी भी ले लियो और उनका नंबर भी ले लो, हाँ चलो भाई गुरुजी का फ्रेम है, पेमेंट यहीं पे आ रही है कलेक्ट करने को, अरे यहाँ पे मैं कलेक्ट कैश कर दूंगा तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी ना, ये या तो आप कर सकते हो तो आप ही कर दीजिए पेमेंट, चलिए मैं कलेक्ट कैश कर देता हूँ, एक सेकेंड, ओटीपी क्या था, अरे मैडम मैडम क्या करो, एक्चुअली वो नेट नहीं चल रहा ना यहाँ पे, नेटवर्क इशू थोड़ा, हाँ अनु जी हैं, हाँ सेक्टर 8 गुड़गांव, तो चलो भाई ले लिया हमने ये फ्रेम, चलते हैं लेके भाई गुड़गांव, कितना लंबा रास्ता है भाई साहब, 30 किलोमीटर, यार 332 मैंने यहीं कैश कलेक्ट कर दिया, देखा जाएगा जो होगा, और क्या हो सकता है, अब यार कस्टमर ने यहाँ पे कर दिया गलती से, मैंने कहा फिर चलो भाई अब मैं क्या करूँ, बाकी गुरु जी की आइटम है यार, आई होप लॉस तो नहीं होगा मेरे को, कस्टमर ऐसे तो करेंगे नहीं, अब फटाफट चलते हैं यार ये फ्रेम लेके। भाई साहब ये क्या है, ये लगता है डीजे का सामान है भाई, बट फिर भी यार बाइक पे ले जाना बड़ा रिस्की है इतना सामान, शायद ये पर्सनल है, पोर्टर तो नहीं लग रहा मेरे को क्योंकि इन्होंने वो पूरा ग्रिल लगा रखा है, बट फिर भी यार भाई पर्सनल भी इतना सामान लेके जाना, और मैं गुड़गांव जा रहा हूँ भाई द्वारका से, इस रोड पे चलना तो और ख़तरनाक है इतना सामान लेके, वैसे बंदे से बैठा नहीं जा रहा आगे से, ये देखें टंकी पे बैठा बंदा, अरे बाप रे, नहीं शायद पोर्टर है, पता नहीं भाई क्या है ये, बट फिर भी यार इतना सामान लोड करना चाहिए बाइक पे, बहुत रिस्क है भाई इतना सामान, बंदा देखो कहाँ बैठा है, टंकी पे बैठा यार बंदा, हद भाई साहब इतना सामान, बंदा टंकी पे बैठा है यार, बाइक को भाई क्या बना दिया लोगों ने आजकल, 3-व्हीलर 4-व्हीलर सब कुछ बना दिया बाइक को, टेम्पू वेम्पू सब बना दिया बाइक को यार, ऊपर से बाइक की हालत भी अच्छी नहीं है भाई साहब, इतना सामान बाइक पे, पता नहीं यार लोग क्या सोचते हैं, अगर पर्सनल भी है तो भाई पैसे बचाने के लिए बंदा इतना कर रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं यार, हद है भाई, लोग क्या कर रहे हैं यार आजकल, भाई सॉरी इतना बड़ा पार्सल मैं कभी भी नहीं लेके जा पाऊँगा अपनी लाइफ में 2-व्हीलर पे, कभी भी नहीं, चलो भाई बहुत बड़ा रिस्क है भाई ये, भाई साहब रास्ता देखो यार, ना लेके रास्ते से लेके जा रहा है गूगल, गूगल क्या रैपिडो क्या, चलो कोई नहीं हम तो चल लेंगे यार, रात को अनसेफ है भाई, रिस्क है एरिया, इधर देखो जंगल टाइप का है, इधर तो भाई नाला है पूरा का पूरा, बंदा अगर गिर गया ना इधर उधर कहीं भी भाई साहब पता नहीं चलेगा वो बंदा जाएगा कहाँ, सही बता रहा हूँ, बड़ा रात को बड़ा रिस्की है भाई रास्ता, रात को तो भाई मैं कोशिश करो ना ही आओ, बट रास्ता बहुत रिस्की है, दिन में तो सही है थोड़ा, दिन में फिर भी थोड़ा सही है, रात को एक तो गाड़ियाँ चलती हैं अंधेरे में कुछ दिखता है नहीं, जिसकी हेडलाइट नहीं है भाई उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई, बैंड बज जाएगी उसकी तो, हेडलाइट बहुत ज़रूरी है रात का टाइम, रात का टाइम तो बहुत रिस्क है, दिन में तो फिर भी हम चल रहे हैं, और थोड़ा यार अनसेफ है समझ सकते हो आप, इतना सेफ रास्ता नहीं है, प्रेफर नहीं करूँगा मैं रात को बिल्कुल भी, बट भाई ये कभी कभार मजबूरी होती है तो बंदा ले लेता है रास्ता, और क्या हो सकता है, बाकी चलो यार चलते हैं, दिन में तो अच्छा लग रहा है रास्ता, रात को उतना ही डरावना लगता है, सही बता रहा हूँ, चलो फटाफट चलें भाई, 12 किलोमीटर बाकी है अभी भी यार, पता नहीं चल रहा रैपिडो का मीटर स्लो चल रहा है या मेरी गाड़ी स्लो चल रही है, चलो भाई शुक्र है यार ये पार्सल डिलीवर्ड हुआ, लोकेशन थोड़ी सी अलग थी भाई, घर ढूंढ के आया मैं, अब मैडम से पेमेंट भी लेनी है भाई यहीं पे, कैश कलेक्ट तो मैंने वहीं कर दिया था, कहने को अब क्या करता भाई, कस्टमर ने डाल रखा था, फ़ोटो खींच ले,
अब OTP भी आएगा, ये भी लेना है, और फिर उसके बाद पेमेंट भी कलेक्ट करनी है भाई आपके। हाँ मैम, लोकेशन वहाँ की थी, एक सेकेंड मैम। 332 6843। चलिए थैंक यू मैम। चलो भाई बहुत अच्छा सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ। भाई सब कैश कलेक्ट कर लिया था हमने, रिचार्ज कर रहे हैं यार, कर देते हैं भाई रिचार्ज। भाई 270 रुपये मिल गए अपने को। अरे सेक्टर 53 जाऊँगा मैं भाई, मुझे दिल्ली की राइड दे दे। भाई 332 कैश कलेक्ट किया हमने, ठीक है ठीक है। 270 रुपये मिले भाई 30 किलोमीटर के। अरे 9 रुपये किलोमीटर आ गया भाई रैपिडो का। यार ये तो अच्छा है यार रैपिडो का, 9 रुपये किलोमीटर सही आ गया फ्लैट रेट। सबसे बड़ी बात थोड़ी सी टेंशन है, मैडम फ़ोन नहीं उठा रही थी ना, ये पिकअप जहाँ से लाया वहाँ से भी नहीं मैडम फ़ोन उठा रही, और ड्रॉप लाया वहाँ से भी नहीं। फिर थोड़ा एड्रेस ढूंढने के बाद मैं आया, मैंने चलो कोई नहीं, पर यार सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया भाई शांति से, ये अच्छा हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं भाई अब नेक्स्ट क्या मिलता है। हमने सिर्फ रैपिडो का काम किया भाई 350 रुपये का। टाइम ज़रूर लगा यार, क्योंकि पहले ना ओला की राइड इतनी बेकार मिली ना, बहुत टाइम वेस्ट हुआ उसमें। पहले तो राइड ही ढंग की आ रही थी, फिर एक आध राइड आई तो उसमें इतनी बुरी हालत। बाकी देखते हैं यहाँ से निकलने का कैसे करेंगे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई अब यहाँ से निकले कैसन। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं भाई यहीं कहीं साइड में खड़े होके। हेलो दोस्तों, तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ गुड़गांव से अपने घर। वहाँ से मेरे को रैपिडो ऊबर पे बहुत उल्टी सी राइड आ रही थी, बट यार ओला पे मेरे को एक बढ़िया राइड मिल गई। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की पिकअप थी, 1.5 किलोमीटर की, और हमें जाना था भाई उत्तम नगर बिंदापुर। मैंने कहा भाई कोई होम रूट नहीं लगाया था मैंने, कोई कुछ नहीं लगाया था, तो मैंने कहा भाई कौन छोड़ेगा इस मौके को, चलो फटाफट। भाई मैं सीधा सीधा घर आ गया, यहाँ पे आके मेरी 25% बैटरी बची, 25% में मैंने कहा भाई कोई फायदा नहीं है इधर उधर जाने का, घर चलो चुपचाप। और यार वैसे भी आज मैं ट्राई पे गया था भाई, मैं देखूँ भाई इतने टाइम से मैं काम नहीं किया मैंने, तो क्या हाल है मार्केट का सही बताऊँ तो, काफ़ी रेट लोग कह रहे हैं कम हो गए हैं, तो अब देखते हैं भाई क्या हाल है। वैसे बाकी आपको मैं आज काम बता दूँ भाई मैंने क्या क्या किया। रैपिडो भाई मैंने इनकम की है 350 रुपये की, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ओला पे मैंने काम किया भाई लगभग क्या है एक ही राइड की है मेरे भाई 160 रुपये की, तो यार यही काम हुआ 510 रुपये के आसपास यही काम किया मैंने। हाँ पहली ओला की राइड जो मिली थी ना वो बड़ी मज़ा नहीं आया था, राइड अच्छी थी बट कस्टमर ही नहीं आया यार, फ़ोन ही नहीं उठाया, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हुआ मेरा। बाकी जो मेरी गाड़ी चली है भाई लगभग 80 किलोमीटर के आसपास मेरे घर तक। और यार देखो मैं लगभग ना लास्ट 12-13 दिनों से घर पे था, क्योंकि मेरे लेफ्ट वाले पैर में जो सबसे छोटी उंगली होती ना वो क्रैक हो गई थी, एक पैर की मोच आ गई थी, उसकी वजह से प्लास्टर चढ़ गया था मेरे पैर पे। तो अब भाई प्लास्टर चाहे छोटा चाहे बड़ा हो बंदा बैठ जाता है पूरा का पूरा बेड रेस्ट पे। तो डॉक्टर ने मुझे 12-13 दिन का बेड रेस्ट बोला कम से कम, तो 12 दिन मैं बेड पे रहा पूरा। तो नो इनकम भाई, कोई सेविंग्स थी ज़्यादा खास, तो बहुत बुरी हालत रही थी 12 दिन तक। मतलब यार अपने आप को होता ना, हम लोग डेली बेसिस पे जाने वाले बंदे हैं, तो बाहर नहीं जाएंगे खुले हवा में नहीं घूमेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा, घर बैठे बैठे पक जाता है बंदा, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं भी। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा यार जो डेली बेसिस पे घूमने वाले बंदे हैं। तो यही था यार, 12 दिन बाद प्लास्टर उतरा, मेरा प्लास्टर उतरा भाई लास्ट थर्सडे को, थर्सडे मॉर्निंग। तो थर्सडे पूरा दिन रेस्ट किया, फ्राइडे रेस्ट किया क्योंकि डॉक्टर ने ही बोला था। उसके बाद भाई यार सैटरडे है, सैटरडे मैंने काम स्टार्ट किया। आई नो सैटरडे को काम कम होता है यार, बट मैंने कहा यार देखो स्टार्ट तो करना ही है ना, स्टार्ट करते हैं आज, बाकी देखते हैं राइड मिल गई बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो फिर है ही है। बाकी अब रेगुलर वीडियोज़ रहेंगी यार, आपको सारे ऐप्स से वीडियोज़ मिलेंगी, ओला उबर रैपिडो जोमेटो स्विगी, हाँ यही हैं सारे मेन ऐप्स, तो यही हैं खाली। और बाकी कोई भी आपका कमेंट है भाई, कोई एडवाइस है, कोई कंप्लेन है मेरे लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो भाई, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब एकदम प्रॉपर वे में आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, आई होप आप लोग को मज़ा आए, और आप लोग अब भी मेरे को पहले जैसा सपोर्ट ही करोगे यार। हाँ इसी बीच में भाई मेरे 18,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू भाई, और आई होप आगे भी ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखोगे। बाकी यार मैंने जो मार्केट में सुना है ना, मैं देखो मार्केट में मैं देख रहा था जो भी ग्रुप्स कर रहे थे कि रेट काफ़ी कम हो गए हैं ओला उबर में, सब में रेट कम हो गया, तो यार 10 रुपये का रेट तो मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं आ रहा। पोर्टल में आ रहा हो तो देख लेना, बट मुझे पता नहीं है, 10 रुपये का रेट तो भाई मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिला। इवन मैं जो गुड़गांव से उत्तम नगर लेके आया हूँ भाई, लगभग 21-22 किलोमीटर की राइड थी और उसमें मिले 160 रुपये, तो यार 8-8.5 रुपये का रेट आया। रैपिडो का जो पार्सल लेके गया मैं उसमें 9 रुपये का रेट आया, 30 किलोमीटर 270 रुपये, तो मतलब पार्सल में भी 9 रुपये का रेट आ रहा है यार, 10 रुपये का तो कोई रेट दे ही नहीं रहा। सब लग रहा है कंपनियों को भी लग रहा है भाई इलेक्ट्रिक ले लिया सबने, तो इलेक्ट्रिक पे स्विच कर गए हैं, तो भाई इनका पैसे तो लग नहीं रहे भाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां भी तो खरीद रहे हैं हम, अब ये कौन पता है कंपनियों का, और सबने थोड़ा लिया है इलेक्ट्रिक यार, पेट्रोल वाले भी तो चला रहे हैं, उनका कहाँ से निकलेगा पेट्रोल।
अब कई बार तो देखा यार उबर तो बहुत कम कह रहे हैं रेट कर दिया, 6-6 रुपये 7-7 रुपये रेट कम कर दिया उबर ने। तो भाई इतना मत करो यार कंपनियों वालों, शोषण कर रहे हैं यार ये लोग राइडर का। ऊपर से आपने एक क्लिप देखी थी यार, भैया ने इतना ज़्यादा पार्सल लोड कर रखा था बाइक पे, अब वो पर्सनल था पोर्टर था मैं नहीं कह सकता जो भी है भाई, बट फिर भी यार बंदे ने इतना सामान लोड कर रखा है, बंदे के बैठने की जगह नहीं है, बंदा टंकी पे बैठा है, टंकी जो स्लाइड वाली एरिया होता है ना उस पर बैठा है बंदा, मतलब हद है भाई इतना सामान लोड करके जा रहे हो। अगर पोर्टर है भाई तो 100-200 के लालच में वो बंदा बहुत रिस्क ले रहा है, और अगर पर्सनल भी है तो भाई तब भी 100-200-300 रुपये बचाने के चक्कर में ना वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है बंदा। तो भाई इतना बड़ा पार्सल कभी मत उठाना गलती से भी, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, और मैं तो कभी नहीं उठाऊंगा भाई इतना ऐसा कुछ गलती से भी नहीं भाई, 2 ईयर में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अब से भाई रेगुलर रहूंगा वीडियोज़ में पक्का, आप लोगों से प्रॉमिस है मेरा, और आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखना पहले की तरह भाई। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।